नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड बस 3 सेकंड में कैसे रिमूव करें। 3 सेकंड में, हाँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लाइव रिमूव करके दिखा रहा हूँ। जिसके लिए आपको सीधे एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वाली फोटो है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे एक्सेस करने के बाद आपको ऑटो पे क्लिक करना है। ऑटो पे क्लिक करते ही बस एक बटन ऐसे टैप करिए, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया। थोड़ा बहुत अगर बचता है तो यहाँ पे आपसे नॉर्मली मैनुअली नॉर्मली धीरे धीरे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसको चार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डन पे क्लिक करना है और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको रिमूव करने के लिए आपको इसे बढ़ा लेना है। बस ये आप देख सकते हैं, बस आप देख लीजिए कुछ ही सेकेंड में आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको चाहे तो आप जहाँ पे चाहे यहाँ से फाइल सेव करके आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको आप ऐसे सेव करके चाहे तो जहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे लिखना है नॉर्मली आपको बैकग्राउंड इरेजर। लिखने के बाद सर्च कर देना है, उसके बाद से आपको एक ऐसा खुल के आ जाएगा एप्लीकेशन। इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद से आपकी फ़ोटो जो सेव है उसको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड नॉर्मली रिमूव कर लेना है। मान लीजिए अगर आपने कोई फ़ोटो, मतलब वो कैमरे से फ़ोटो ली है, ठीक है, फ़ोटो अपन कैमरे से लिया है अगर आपने, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको सीधे जाना है आपके गैलरी में, और फोटो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डन करना है, और आप उसको चाहे तो फोटो का बैकग्राउंड नॉर्मली भी हटा सकते हैं। नॉर्मली हटाने के लिए आपको मैजिक वाला ऑप्शन सबसे बेटर पड़ेगा। जैसे मैजिक वाले पर क्लिक करने के बाद आपको मैन्युअली जाके इसको ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे एडिट कर लेना है अपना फ़ोटो। अभी आप देख सकते हैं कितना ईजीली हो जा रहा है। अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई फ्लिप को यूज़ करने में तो आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। अभी ऐसा है तो यहाँ पर मैजिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं मैजिक वाला कितना फास्ट है। मैनुअली वाला ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, आपको यही वाला यूज़ करना चाहिए। और अगर आपने ग्रीन स्क्रीन पे मतलब रिकॉर्डिंग की है, मतलब कहीं अच्छे जगह है, अच्छा बैकग्राउंड बस एक कलर में है, तो आप ऑटो करके बस कुछ ही सेकंड में आप हटा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप मैनुअली कर रहे हैं और आपका फोटो कोई मतलब कहीं जगह का हटा नहीं था, फोटो गलती से एडिट हो गया, तो आपको रिपेयर वाले पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ये हट गया, ठीक है, तो आपको रिपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको जो भी हटाना था मतलब गलती से गया था उसको ऐसे रिपेयर कर लेंगे। एकदम नॉर्मल है, ईजी टू यूज़ है, आप इसको नॉर्मली हटा के देख सकते हैं कितना ईजी यूज़ है। ये देखिए, अभी मैं इसका पूरा बैकग्राउंड हटा के दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने इतने जल्दी ले रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गलती से सारी हट गई, इसको रिपेयर ओपन पे क्लिक करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी फोटो प्रिंट फाइल में चेंज हुई, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे करने के बाद अगर आपका मान लीजिए कहीं पर एक्स्ट्रा ऐसे कुछ बच जा रहा है जैसे कि ये दिखाया आपको, तो उसको रिमूव किया नॉर्मली वापस मत जाइए, यहीं पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आगे बढ़ा लीजिए ऐसे करके। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको जाना सिंपल सेव के और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से आपकी फोटो प्रिंट फाइल में सेव हो जाएगी, जिसे आप गैलरी में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको रिसेंट में दिखा दे रहा हूँ, मैं आप देख सकते हैं मैंने भी 2-3 बैकग्राउंड रिमूव किया है, आप देख सकते हैं। एक तुरंत आपके सामने रख दिया हूँ, ये भी वैसे पहले मैंने इसका किया था, इसका भी किया था, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव किया था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा। तो अभी हमने इस तरह से करके अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, ठीक है। अब इसके पीछे कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगा के अपनी फोटो को प्रोफेशनल लुक देना है, प्रोफेशनल एडिटिंग बनानी है, तो उसके लिए नॉर्मली आपको चलना है गूगल पे, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे ए बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है, तो मैंने इस पर इसको झूम करके थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए ताकि ये एचडी में हो जाए, ठीक है। ये अच्छा बहुत मतलब अच्छा तरीका, आप किसी को मतलब जल्दी पता नहीं होता है। मान लीजिए इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। अब आपको नॉर्मली जाना है सीधे पिकार्ट में, पिकार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। पिकार्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में,
वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है फोटो एडिटिंग के लिए पिकार्ट। इसलिए आपको यहाँ पे यहाँ पर क्लिक करना, करने के बाद उसके बाद से आपकी सारी फोटो यहाँ पे दिख जाएगी। मान लीजिए मेरा अकाउंट इमेज है, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इधर एक ऑप्शन होगा ऐड इमेज, आपको यहाँ पे ऐड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपका कौन सा फोटो लगाना है वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे ओके कर लीजिए। आप देख सकते हैं वो वाली बैकग्राउंड और ये हमारा फोटो आ गया। और आप यहाँ पे नॉर्मली ऐसे बैकग्राउंड लगाने के बाद आप इसको चाहे अपने हिसाब से कटआउट कर सकते हैं, इसमें क्रोपिंग का वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए हमारा फोटो ऐसे बन गया। सो आप देख सकते हैं हमारा फोटो पहले कैसा था। हमारा फोटो पहले था कुछ इस तरह, पीछे आप देख सकते हैं कितना गंदा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया उसको, फिर हमने उसको पीएनजी में क्लिक किया हमारी एप्लीकेशन यूज करके। ठीक है, कैसा हुआ था उसके बाद से देखिए ऐसा हो गया था। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, पिकार्ट का यूज करके हमने इसको एडिट किया और फिर उसको बना दिया किस तरह से, ये आपको दिखा दें। ये देखिए इसका पिकार्ट का यूज करके हमने इसको कैसे बना दिया। तो आई होप आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी बताएं कि अपनी फोटो कैसे एडिटिंग करें, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है यूज करने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमसे पूछें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डेली ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस वाली वीडियो पहले देखने के लिए।